नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्सव के रूप में मनाया गया भागलपुर का 249वां स्थापना दिवस। विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नवगछा में अनोखी शादी बना चर्चा का विषय। सेल्फी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जगदीशपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। जांच में जुटे पुलिस। सुल्तानगंज रेफर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी पर लगा कमीशन मांगने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। और LIC निजीकरण के विरोध में एक्टू ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सिल्क के लिए दुनिया में मशहूर भागलपुर का 249वां स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया। दरअसल काफी सोच के बाद यह मान लिया गया है कि भागलपुर को 4 मई 1773 को जिले का दर्जा मिला था। बता दें कि जिले की स्थापना की वास्तविक तारीख का पता लगाने के लिए भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसमें 3 प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा इतिहासकार प्रोफेसर रमन सिन्हा भी थे। गौरतलब है कि प्राचीन भारत के इतिहास में भागलपुर को अंग क्षेत्र कहा जाता था। इसका महाभारत कालीन इतिहास भी रहा है। ब्रिटिश हुकूमत में इसे जिले के रूप में स्थापित किया गया तो इसका क्षेत्रफल संथाल परगना से लेकर पश्चिम बंगाल तक था। इधर स्थापना दिवस पर जिला परिषद कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीप अध्यक्ष टुनटुन साह ने कहा कि भागलपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि भागलपुर हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं प्राचीन जिलों में एक है। इधर स्थापना दिवस पर विभिन्न संगठन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भागलपुर के गौरवशाली इतिहास को लोगों ने याद किया। भागलपुर जिला का 249वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मनाया जा रहा है। बुधवार को जगदीशपुर स्थित शाही बिहार में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जदयू नेता सुड्डू साई ने शाही बिहार परिसर में केक काटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी। सुड्डू साई ने बताया कि 4 मई 1773 को भागलपुर जिला के रूप में स्थापित हुआ था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण अब तक जिला प्रशासन द्वारा स्थापना दिवस की तिथि घोषित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम उस जिले के वासी हैं जो दानवीर करण की धरती रहा है, जहां से शिक्षा का ज्ञान पूरे विश्व में फैला है। साथ ही सिल्क उद्योग, कतरनी और जरदालू जिसकी पहचान है। मौके पर डॉक्टर अनिरुद्ध मंडल, सतीश सिंह, अमित यादव, रमाकांत मंडल, जयराम सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज भागलपुर जिला का स्थापना हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1773 ईस्वी को भागलपुर का जिला का स्थापना किया गया था। हम लोग आज साई बिहार में भागलपुर जिला का 246वां स्थापना दिवस केक काटकर मना रहे हैं, जिससे हम ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भागलपुर जिला दानवीर कर्ण की धरती रहा है, जहां की जगदीशपुर स्थित गांव का कतरनी चावल, कतरनी चूड़ा और जरदालू आम प्रसिद्ध रहा है। और हम सब भागलपुरवासी संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भागलपुर जिला में रहने पर गौरवान्वित महसूस करें, ताकि हम लोग भागलपुरवासी एक अच्छे सभ्य इंसान बन सकें। बिहार में इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। हर तरफ शहनाई और गाजे बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही है। वहीं इन सब के बीच भागलपुर जिले के नवगछिया में हुई एक शादी चर्चा का केंद्र में है, जिन्हें देखकर लगता है कि सच में रब ने बना दी जोड़ी। हर तरफ लोग इस वैवाहिक कार्यक्रम की ही बात कर रहे हैं। हम बचपन से ये कहावत सुनते आ रहे हैं कि जोड़ियां बंधी तो स्वर्ग में है, पर इन्हें निभाना धरती पर होता है, जहां हमारी ज़िंदगी से जुड़ी कई ज़मीनी सच्चाइयां होती हैं, जिन्हें स्वीकारते हुए दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना होता है। केवल पति पत्नी ही नहीं, बल्कि इस संसार का हर रिश्ता हमारे लिए ऊपर वाला तय करके भेजता है। हम इंसान तो बस उसके हाथों की कठपुतलियाँ मात्र हैं। यही कहावत चरितार्थ हुआ है बिहार के भागलपुर के नवगछिया शहर में। दरअसल नवगछिया में 36 इंच लंबे मुन्ना ने 34 इंच लंबी दुल्हन ममता के साथ शादी के बंधन में बंध गए। नव दंपति को देखने के लिए आसपास से हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। इनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिनको आमंत्रित भी नहीं किया गया था। सभी लोग बस मुन्ना और ममता की एक झलक पाना चाहते थे। शादी समारोह में इतनी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना तक मुश्किल हो गया।
था। नवगछिया में हुई इस शादी में बिना निमंत्रण के ही हजारों लोग शामिल हो गए और दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। इस अनोखी शादी में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि आम शादी में होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये शादी आम शादियों से कुछ अलग थी। दरअसल ये शादी इसलिए अनोखी हो गई क्योंकि 36 इंच के मुन्ना को लाइफ पार्टनर मिल गई। 34 इंच की ममता के साथ मुन्ना की जोड़ी देखते ही बन रही थी। सभी इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। यह शादी नवगछिया की अभिया बाजार निवासी किशोरी मंडल उर्फ गुजो मंडल की पुत्री 24 वर्षीय ममता कुमारी की थी। ममता ने मसारू निवासी विंदेश्वरी मंडल के पुत्र 26 वर्षीय मुन्ना भारती के साथ साथ फेरे लिए। जो कोई इस नज़ारे को देख रहा था वो यही कह रहा था कि मानो गुड्डा गुड़िया की शादी हो रही हो। इस शादी में जो भी लोग शामिल हुए सब ने यही कहा, भगवान ऊपर से हर किसी की जोड़ी बनाकर भेजता है। इन दिनों जिले में अपराधी बेखौफ होकर हत्या की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताज़ा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का है, जहां सोए अवस्था में बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान फतेहपुर निवासी स्वर्गीय देवेंद्र मंडल के 35 वर्षीय पुत्र प्रवीण मंडल के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सिटी SP स्वर्ण प्रभात एवं विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए। मृतक प्रवीण की पत्नी शोभा देवी ने बताया कि वह अपने पति के साथ घर में सोई हुई थी, तभी बगीचे की तरफ से आए अपराधी ने पति की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं शोर की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पत्नी ने बताया कि उनके पति राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भागलपुर सुल्तानगंज रेफर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। चिकित्सा प्रभारी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें कमीशन की राशि के भुगतान के लिए चिकित्सा प्रभारी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जो वायरल ऑडियो में अस्पष्ट सुनाई दे रहा है। यह ऑडियो क्लिप पूरे सुल्तानगंज में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर बोलेरो गाड़ी के ऑनर कुमार सागर ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत रेफर अस्पताल में बोलेरो गाड़ी का संचालन पिछले 3 वर्ष से कर रहे हैं। प्रत्येक महीना 30,000 रुपया किराया रेफर अस्पताल के द्वारा दिया जाता है, जिसमें रेफर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक चंदन कुमार और लेखपाल सुजीत झा को कमीशन के तौर पर 6,000 रुपये प्रतिमा कमीशन के रूप में दिया जाता था। साथ ही कहा कि 2,000 रुपया गुप्त रूप में स्वास्थ्य प्रबंधक चंदन कुमार अलग से लेते थे। कुल 8,000 रुपया प्रतिमाह एक बोलेरो गाड़ी से लिया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 2 बोलेरो चलता है और दोनों से 8,000 रुपया प्रतिमाह लिया जाता है। वहीं दूसरी गाड़ी रफकेश कुमार का 6 साल से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब कमीशन देने से इनकार किया जाता है तब चिकित्सा प्रभारी द्वारा फंसाने एवं हटाने की धमकी दी जाती है। क्या माल किए थे, ऑडियो वायरल किए थे, कमीशन का चक्कर है। आप ही बात किए थे? हाँ। क्या नाम है आपका? कुमार सागर। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते हैं। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? ये बोलेरो चलाते हैं, ये गाड़ी लाल वाली। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम में, स्वास्थ्य कार्यक्रम में, उसी में गाड़ी चलाते हैं। हाँ। क्या बात हुई थी दूरभाष पे, जो मालदा है कमीशन खोरी का जो आ रहा है, क्या बात हुई थी? वो महीना का जो है 6,000 रुपया देते थे और 2,000 अलग से, यानी कि महीना में 8,000 रुपया देते थे। किसको देते थे? 6,000 देते थे मैनेजर का, 2,000 और अलग से देते थे मैनेजर के, वो सब अपने में। जिसमें मैनेजर कौन? मैनेजर चंदन कुमार, रेफर अस्पताल, रेफलर अस्पताल सुल्तानगंज से। क्यों देते थे? नहीं तो नहीं चलने देंगे, प्राइवेट हम लोग जॉब करते हैं इसमें, इसलिए कमीशन मांगता था। 6 साल से गाड़ी चला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। 6 साल से? कितना साल से कमीशन दे रहे हैं आप? 6 साल से दे रहे हैं। कितना कमीशन अब तक में दिया है? पहले तो जैसे 22,000 रुपया मिल रहा था, तो उस टाइम 5,000 रुपया ले रहा था, फिर 25 हुआ, फिर 30 हुआ, अब 8,000 देने लगे। कमीशन कितना? 8,000 आप भी दे रहे हैं? हाँ, 8,000 हम भी दे रहे हैं। कैसे? 6,000 ये तीनों को मामला में अलग दे देते हैं मैनेजर साहब को, मैनेजर साहब चंदन कुमार को, और 2,000 अलग से बोलता था किसी को नहीं बताने के लिए चंदन कुमार ने, मैनेजर साहब चंदन कुमार ने। भागलपुर LIC में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ बुधवार को तिलका मांझी चौक पर एक्टू ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक्टू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भाजपा सरकार लगातार हर विभागों का निजीकरण कर रही है, जो कतई ठीक नहीं है। साथ ही साथ समाज में सांप्रदायिक विद्वेष का जहर घोलकर आम लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मजदूर हित के कानून को खत्म कर कॉरपोरेट पक्षीय लेबर कोड लागू किया जा रहा है।
रोजगार छीना जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और छटनी ने मजदूरों को परेशान कर रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज हम सभी एकजुट होकर वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एकटू के सभी कार्यकर्ताओं ने LIC कर्मियों का साथ देते हुए हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एकटू कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला भी फूंका। कार्यक्रम में एकटू के कई अधिकारी, कार्यकर्ता और असंगठित संगठित क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुष कामगार शामिल थे। मोदी सरकार ने LIC का आज से IPO जारी कर दिया है और LIC में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो सरकार देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देते हुए सत्ता में आई, वो एक एक करके देश की संपत्ति बेचते जा रहा है। हर चीज के अंदर जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो जनता की संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, बैंक है, कोयला है, रेलवे है, इस सब में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और LIC को निशाना बनाया जा रहा है। तो LIC में जो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसी को वापस लेने की मांग को लेकर के आज यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। ईद के अवसर पर मैं डॉक्टर DP सिंह सभी मुस्लिम भाइयों को ईद का मुबारकबाद देता हूं। ईद के इस पर्व को आपसे प्यार, भाईचारे और सौहार्द से मनाएं। लेकिन कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, मास्क लगाएं और खुशियां मनाएं। ईद के ये शुभ अवसर पर हेलमेट्स परिवार की ओर से पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन और मैं बहुत सारी ढेर सारी बधाई देता हूँ। और ये ईद का त्यौहार हम लोग मिलजुल कर बहुत बड़े प्यार से मनाएंगे। पूरे देश को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये त्यौहार हम हिंदू भाई, मुस्लिम भाई एक साथ आपस में मिल करके त्यौहार को मनाएं और इस त्यौहार को मनाने में कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान में रखा जाए। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क अनिवार्य है, कोविड के सारे नियमों को हम लोग पालन करते हुए ईद का त्यौहार बहुत ही प्यार से मनाएंगे। हमारे अम्मा जी सेवा केंद्र की ओर से पूरे संपूर्ण देशवासियों को सबसे पहले हृदय से ईद की शुभकामनाएं और अपनी संस्था की ओर से ये कहना चाहूँगा, सभी आपसी विदेशी को भुलाकर खूब मन से, ढंग से ईद का त्यौहार मनाएं और आपसी भाईचारे का संदेश दें। ईद के अवसर पर सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 7 की जनता का और इमामपुर पंचायत और समस्त देशवासियों को ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ईद हमारा एक सौहार्दपूर्ण आपसी भाईचारे का प्रतीक है और ईद में हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और आपस में मोहब्बत और इखलाक और सुलूक को हम लोग पेश करते हैं। क्योंकि 2 साल कोरोना में हम लोगों ने ईद सही से मनाया नहीं और 2 साल के बाद ईद फिर से आया है लौट कर, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है हम लोगों पर। ईद के अवसर पर मैं बालकृष्ण पद्धर बेफी संगठन की ओर से सभी मुस्लिम भाई को बधाई देता हूँ। साथ ही काम अपील करता हूँ कि इस त्यौहार को शांति और सौहार्दपूर्ण से मनाएं। धन्यवाद। मैं विजय कुमार यादव सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आपसी भाईचारे और आपसी सौहार्दपूर्ण रूप से सभी भाई मिलकर इस ईद के पर्व को मनाएं और आपसी भाईचारे को सदा बरकरार रखें। जैसे कि हम शुरू से ही भागलपुर वासी इस ईद को राम रहीम की तरह मनाते आए हैं, उस तरह हम लोग अभी भी मनाएं। और लगातार 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग ईद नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस साल अपना खुशी खुशी सभी साथ मिलकर ईद को मनाएं। मैं शहबाज खां, वार्ड संख्या 26, नूरपुर बड़ी खंजरपुर की ओर से पूरे भागलपुर शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं डॉक्टर आफताब आलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया की ओर से समस्त धौरैया वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दीन बंधु दीनानाथ मुखिया कुर्मा पंचायत धौरैया बांका की ओर से समस्त धौरैया वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मोहम्मद वाजिद अंसारी समाज सेवी एवं अध्यक्ष ग्लोकल ब्लड सेंटर भागलपुर
एवं विकासशील सेवा संस्थान ब्लड सेंटर गोड्डा की ओर से समस्त देशवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया की ओर से समस्त धौरैया वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं गिरीश पासवान जिला महासचिव कांग्रेस बांका की ओर से समस्त बांका वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके नज़दीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में होमगार्ड के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 मई से 16 मई तक मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में ही अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण चलेगा। बता दें कि भागलपुर और नवगछा में होमगार्ड के लिए 657 पदों के लिए परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ है। बहाली में फर्जीपाड़ा रोकने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक आधारित जाँच की गई। परीक्षा में आधार कार्ड व थंब इम्प्रेशन का मिलना जरूरी था। होमगार्ड के वरीय जिला समादेष्टा त्रिलोक नाथ झा ने बताया कि पहली बार बहाली में अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक आधारित जांच की गई है। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम, एसडीओ, सीटीएसपी, सर्जेंट मेजर के अलावे दर्जनों प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बताते चले कि मारवाड़ी कॉलेज के मैदान पर होमगार्ड की बहाली को लेकर गुरहाटी, कहलगांव, शाहकुंड, सबौर, नाथनगर, सनहोला, जगदीशपुर, सुल्तानगंज, पीरपैती, गोपालपुर, नारायणपुर, नवगछिया, भागलपुर, रंगरा, खरीक, इस्माइलपुर के अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया 4 मई से 16 मई तक होना है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ गंगा घाट में एक लावारिस युवक का लाश मिलने से पूरे गंगा घाट में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पश्चिम की दिशा से युवक की लाश बहक कर आई है, जिसके बाद इसकी सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी गई। वही सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दलबल के साथ अजगैवीनाथ गंगा घाट पहुंची और शव को कब्जे में लेकर लाश की पहचान में जुट गई। इस दौरान मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। भागलपुर वार्ड नंबर 27 में बुधवार को नौजवान ए मिल्लत कमेटी की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी समुदाय के लोगों ने शिरकत की, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं वार्ड संख्या 27 के पार्षद उमर चांद ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों के साथ ईद की खुशियां मनाई। पार्षद उमर चांद ने कहा कि सफाई कर्मी सभी पर्व त्योहार पर गली मोहल्ले में घूम घूम कर सफाई करते हैं, इसलिए पर्व के मौके पर इनका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से एक तरफ जहां सामाजिक सौहार्द बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब का भी मैसेज जाता है। पार्षद की माने तो जिस तरह शादी विवाह के मौके पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, उसी तरह ईद और होली जैसे पर्व को भी साथ मिलकर मनाना आपसी एकता का प्रतीक है। वहीं ईद मिलन समारोह में आई सभी सफाई कर्मियों ने सवाई और अन्य पकवान का आनंद लिया। मौके पर आजम खान समेत कई लोग मौजूद थे। रमजान के बाद ये ईद का त्यौहार आता है। इस ईद के त्यौहार में गरीब मिस्किन का ध्यान रखें, आस पड़ोस वाले का और सारे भागलपुर वासियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अपने पूर्वजों के याद में लोग वृक्ष लगाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, गरीब को भोजन व वस्त्र देते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों की याद में विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं। भागलपुर जिला स्थित कहलगांव अनुमंडल के सनौला प्रखंड स्थित तैलोधा पंचायत के भरत मिश्र ने अपने दादा पंडित गेनालाल मिश्र की स्मृति में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रथम श्रेणी में सर्वाधिक अंक लाने वाली छात्रा शोभा कुमारी को 1500 रुपये प्रतिमा एवं द्वितीय श्रेणी में सर्वाधिक अंक पाने वाली नैना कुमारी को 1000 प्रतिमा एक वर्ष से दे रहे हैं। भरत मिश्र ने कहा
कि हम जब तक जीवित रहेंगे यह छात्रवृत्ति योजना चालू रहेगा। साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अपने गांव समाज का नाम दुनिया भर में रोशन करें। कार्यक्रम का संचालन मधुसूदन मिश्र ने किया। सनोखर उच्च विद्यालय के भूतपूर्व प्रधान अध्यापक राधाकांत मिश्र ने कहा कि ऐसे उच्च विचार के लोग आजकल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्रधान अध्यापक चंदा सुप्रिया कुमारी, शिक्षक ममता कुमारी, हरेंद्र सिंह, नीलकांत मिश्रा, अश्वनी मिश्रा, देवेंद्र मंडल सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास इस संदर्भ में रहा है कि हमारी बच्चियां अधिक से अधिक आगे बढ़े, और मैं बहुत खुश हूं कि भरत जी उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बाहर में रहते हुए भी गांव के प्रति इतनी चिंता है, गांव के प्रति इतनी अच्छी सोच है, इसके लिए मैं इन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर करोड़ी बाजार मैदान में बुधवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हुसैनपुर प्रीमियर लीग सीजन 7 के बैनर तले आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का उद्घाटन समाजसेवी कुणाल सिंह और वार्ड नंबर 40 के वसीम खान उर्फ लल्लू ने किया। इस दौरान वसीम खान ने बल्लेबाजी की, जबकि कुणाल सिंह ने गेंदबाजी। क्रिकेट मैच खान स्टिकर शहबाजिया ट्रेडमार्क हुसैनपुर चैलेंजर्स एवं हुसैनपुर किंग के बीच खेला गया। वहीं शिवाजी ट्रेडमार्क की टीम ने 21 रन से जीत हासिल की। कुणाल सिंह ने बताया कि फाइनल मैच 8 मई को खेला जाएगा। मौके पर दिलशाद अश्कर समेत कई युवा और खेल प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्सव के रूप में मनाया गया भागलपुर का 249वां स्थापना दिवस। विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नवगछा मैनों की शादी बना चर्चा का विषय। सेल्फी लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जगदीशपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। परिजनों में मचा कोहराम। जांच में जुटे पुलिस। सुल्तानगंज रेफर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी पर लगा कमीशन मांगने का आरोप। वीडियो हुआ वायरल। और LIC निजीकरण के विरोध में एक्टू ने किया राज्यव्यापी प्रदर्शन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।